होशंगाबाद जिले की सिवनीमालवा तहसील में गुरजघाट समिति के द्वारा भरलाए वेयरहाउस में उड़द की खरीदी मनमाने तरीके से की जा रही है, जिससे परेशान होकर जहां हम्मालों को भुगतान नहीं मिलने से नाराज हम्माल काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए, वहीं आक्रोशित किसान खरीदी नहीं होने से नाराज होकर हरदा होशंगाबाद मुख्य मार्ग पर एकत्रित होने लगे और चक्का जाम कर नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते दोनों ओर लंबा जाम लग गया और कई वाहन चालक और यात्री परेशान होते रहे। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों ने उनकी एक नहीं सुनी और जाम चलता रहा, नारेबाजी होती रही और यात्री परेशान होते रहे। उसके बाद भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी संतोष पटवारे मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को जमीन पर ही बैठाकर चर्चा की। उसके बाद कलेक्टर से चर्चा करने के बाद लिखित में सभी समस्याएं दो दिन में खत्म करने की बात पर जाम खुला और वाहन यातायात व्यवस्था सुचारू की गई, जिसके बाद जैसे ही भरलाए वेयरहाउस पहुंचे सभी किसानों ने पैसे लेकर अमानक उड़द खरीदी की जाने की बात कही, लेकिन अधिकारी किसानों की बातों को टालते रहे। उसके बाद कुछ किसानों ने अंदर से अमानक उड़द के सैंपल लाकर दिखाए, जिसके बाद नायब तहसीलदार ओपी सोनी, कृषि विस्तार अधिकारी संजय पाठक सहित संतोष पटवारे जांच करने वेयरहाउस पहुंचे, जहां टेग लगी बोरियां जब खोली गई तो दर्जनों बोरियों में अमानक उड़द मिली, जिसके बाद किसानों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद सहमति बनी कि अधिकारियों के साथ 5 किसानों को जांच टीम में शामिल कर अमानक उड़द की जांच की जाएगी। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी पैसा लेकर अमानक उड़द खरीदी करने वाले समिति प्रबंधक सहित अन्य कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? भवानी सिंह रघुवंशी। क्या समस्या आ रही है यहाँ की जगह? समस्या सर ये किसानों की, यहाँ पे हम 4 दिन से पड़े हैं उड़द लेके, माल अभी तक तुला नहीं है हमारा 4 दिनों का। क्या कारण आ रहा तुलने का? कारण अब ना जाने वो प्रबंधक क्या कर रहे हैं, सोसाइटी प्रबंधक कुछ लोग आज बोल रहे हैं कि हम्मालों की हड़ताल है, कल बोरी नहीं उठी उनकी, किसान कब तक यहाँ ठंड में परेशान हो। छुट्टी थी सोमवार मंगलवार शनिवार, पिछले 2 रोज छुट्टी मना ली। कुछ लोग बोल रहे थे पोर्टल पे कुछ चढ़ा नहीं है, क्या कुछ जानकारी है किसी को? नहीं नहीं, पोर्टल वाले तो बहानेबाजी है सर, पैसे जिन किसानों के पोर्टल खोले पंजीयन साथ में है, कैसा पोर्टल नहीं खुल रहा है। नाम है आपका? राजा राम बरंटिया बरला। क्या चल रहा है यहाँ की जगह? यार रिश्वत भी चल रही है। कौन किस मामले को लेकर रिश्वत ले रहा है? वो 2 दिन बाद आता है चुपचाप, पैसे किसी के सामने आड़े में देता है और उसका माल पास हो जाता है। इसकी शिकायत की आपने? शिकायत की किससे करे, हमें तो हम पढ़े लिखे नहीं, किससे चल गए, कौन की बात करे। क्या नाम है आपका? रामजीवन गोवन सिंह। क्या समस्या आ रही है, कौन पैसों की मांग करता है? अब जो मेरा माल है मेरा नहीं तुल रहा तो चुपचाप पैसे देना पड़ता, माल फेल माल को भी चालू जाए पैसे दे दूंगा तो। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ की जगह पैसा ले रहा है? आप साहब जी मालूम तो है, लेकिन अपन क्या मालूम, मतलब हमारे सामने लिया लेकिन क्या मतलब कहने से, क्या मतलब किसी को, किसी किसी का माल जब फेल हुआ देखो जी, मेरे जेब में रखा जी, फिर जब फेल हुआ फेल हुआ है, जब फेल हुआ है इसमें पैसे दिए पास कर जल्दी कट्टी देना, सुपर माल जब सुपर जब सुपर जब फेल कर दीजिए, जब फेल कर दीजिए पैसे दिए पास कर दीजिए। संतोष पटवारे जी, क्या परेशानी आ रही है यहाँ की जगह? यहाँ पर 1.5 महीने से खरीदी चल रही है, 10,000 कुंटल उड़द का उपार्जन हो चुका है, किसी भी किसान को भुगतान का 1 रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ और ना ही मजदूरों को प्राप्त हो रहा है। आज की स्थिति है कि मजदूर जो हैं हमारे, वो पैसा नहीं मिलने के कारण यह काम बंद कर दिया। किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, भुगतान तत्काल होना चाहिए। इस संबंध में कलेक्टर महोदय से, SDM महोदय से बार बार अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए मजबूरी में आज रोड पर बैठना। आप किसान संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, आप इस पूरे मामले में किसकी गलती मानते हैं? पूरी तरह से प्रशासनिक अंधा फैल है पूरी तरह से इसमें। ये आंदोलन कब तक चलेगा, आपकी क्या इच्छा है, किसानों की क्या इच्छा है? यहाँ जब तक हम रोड पे बैठे हैं कोई ना कोई स्थायी समाधान हमको नहीं मिलता, तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले। सभी किसान सहमत हैं इस मामले से?